अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपनी तैयारी अनअकैडमी प्लस से करिए। अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करिए, अपना एग्जाम चूज करिए और उसके बाद गेट सब्सक्रिप्शन पर करने के बाद आपको रेफरल कोड की जगह डिस्काउंट कोड एंटर करना है PMYT। ये डिस्काउंट कोड एंटर करते ही आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा और ये डिस्काउंट कोड पूरे अनअकैडमी पर वैलिड है, भले ही आप यूपीएससी, एसएससी, बैंक, सीडीएस, एनडीए, स्टेट पीएससी, यूजीसी, आईआईटी, नीट किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, PMYT ये डिस्काउंट कोड लगाइए, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। वेलकम गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सबकी प्रिपरेशन काफी ज्यादा अच्छी चल रही होगी। तो गाइस, यहाँ पे एसएससी ने एसएससी एमटीएस 2021 के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। तो चलिए फटाफट से इसकी एक बार कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पे जान लेते हैं। तो गाइस, यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो यहाँ पे एमटीएस और हवलदार सीबीआईसी एंड सीबीएन के लिए ये जो नोटिफिकेशन रिलीज किया है, इसके लिए आप कब से कब तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं? आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे 22 तारीख से लेकर 22 मार्च से लेकर के 30 अप्रैल तक आप लोग यहाँ पे अपने ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं। लास्ट डेट जो रहेगी वो यहाँ पे 30 तारीख रहने वाली है। 30 अप्रैल तक आप लोग यहाँ पे अपने ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं। ऑनलाइन फीस पेमेंट की जो लास्ट डेट है वो 2 मई रहने वाली है, और चालान के थ्रू अगर आप लोग फीस पेमेंट कर रहे हैं तो जो लास्ट डेट है वो यहाँ पे 4 मई है। अब बात करेंगे यहाँ पे करेक्शन विंडो कब से ओपन होगी। तो अगर आपकी फॉर्म में कोई गलती हो जाती है तो आपको एक और चांस मिलेगा। आप 5 मई से लेकर के 9 मई तक अपना जो भी फॉर्म में करेक्शन है उसको कर सकते हैं। पेपर वन की बात करेंगे तो पेपर वन है आपका वो जुलाई के मंथ के अंदर यहाँ पे शेड्यूल है। पेपर टू की डेट अभी यहाँ पे नहीं बताई गई है। आगे देख लेते हैं वैकेंसीज की बात करेंगे तो एमटीएस की जो वैकेंसीज है उनको डिस्क्लोज नहीं किया है, लेकिन हवलदार इन सीबीआईसी एंड सीबीएन की जो वैकेंसीज है उसको यहाँ पे बता दिया गया है। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे 3603 है। आगे देख लेते हैं गाइस, बात करेंगे यहाँ पे एज लिमिट की। तो जो एज लिमिट का क्राइटेरिया है वो आपका फुलफिल होना चाहिए 1 जनवरी 2022 के लिए। एज लिमिट की बात करेंगे तो कुछ पोस्ट के लिए एमटीएस की 18 से 27 है और कुछ पोस्ट के लिए 18 से 25 साल है। 18 से 25 साल यहाँ पे हवलदार इन सीबीएन की है और 18 से 27 साल यहाँ पे हवलदार इन सीबीआईसी की है। और साथ ही गाइस, यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी गिवन है तो आप इसको भी चेक कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो आपने 10th पास की हो या फिर उसके इक्विवेलेंट आपके पास कोई अदर क्वालिफिकेशन तो हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बस ये बात है कि आपकी जो मार्कशीट है वो यहाँ पे आ जानी चाहिए, आपका जो रिजल्ट है वो यहाँ पे 30 अप्रैल से पहले आ जाना चाहिए। आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो 30 अप्रैल से पहले यहाँ पे फुलफिल होनी चाहिए। अप्लाई कहाँ से करेंगे तो आप लोग ssc.nic.in पे जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। 100 रुपीज की फीस पेमेंट आपको यहाँ पे करनी होगी। वुमेन कैंडिडेट्स, SC ST कैंडिडेट्स, PWD कैंडिडेट और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स को यहाँ पे कोई भी फीस पेमेंट नहीं करनी है, उनके लिए फॉर्म बिल्कुल ही फ्री है। आगे देख लेते हैं, बात करेंगे पेपर वन की। तो पेपर वन का जो पैटर्न है वो यहाँ पे एसएससी के अदर एग्जाम्स की तरह ही है, लेकिन यहाँ पे मार्किंग स्कीम में थोड़ा चेंज है और टाइम में चेंज है। जनरल इंग्लिश आएगी आपकी, 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के। रीजनिंग आएगी 25 क्वेश्चन 25 नंबर। मैथ और जनरल अवेयरनेस भी सेम ऐसे आने वाली है। 90 मिनट आपको टोटल मिलेंगे इसको सॉल्व करने के लिए और 0.25 की आपकी यहाँ पे निगेटिव मार्किंग रहने वाली है। आगे देख लेते हैं गाइस, बात करेंगे पेपर सेकंड की। तो पेपर सेकंड में आपको यहाँ पे शॉर्ट एसे और लेटर लिखना होगा। इंग्लिश में लिख सकते हैं या फिर और अदर लैंग्वेजेस के अंदर लिख सकते हैं जो कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल के अंदर इंक्लूडेड है। 25-25 नंबर का आपका एक एक क्वेश्चन आएगा। टाइम ड्यूरेशन की बात करेंगे तो 45 मिनट आपको यहाँ पे मिलेंगे और पेन और पेपर मोड में ही आपका ये एग्जाम यहाँ पे कंडक्ट कराया जाएगा। अब बात करेंगे गाइस, यहाँ पे हवलदार इन सीबीआईसी और सीबीएन के लिए यहाँ पे फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट भी होना है और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी होना है। तो फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट की बात करेंगे यहाँ पे तो उसमें आपको वॉकिंग होगी और साइकिलिंग होगी, तो उसकी डिटेल्स यहाँ पे गिवन है, आप इसको चेक कर सकते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए भी यहाँ पे मेल और फीमेल के लिए क्राइटेरिया गिवन है, तो आप इसको भी यहाँ पे देख सकते हैं। होप सो गाइस आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। साथ ही दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप अपनी प्रिपरेशन अनकेडमी प्लस के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप लोग PMYT कोड का यूज कर सकते हैं। गाइस, PMYT कोड जितनी भी कैटेगरीज है अकेडमी ऐप के ऊपर उन सभी के लिए वैलिड है, वेदर इट इज यूपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे, सीडीएस, एफकेट, सीएपीएफ, स्टेट पीएससी, यूजीसी नेट, आईआईटी, जेईई। तो अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप अपनी प्रिपरेशन अनअकैडमी प्लस के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप लोग PMYT कोड का यूज कर सकते हैं। चलिए गाइस, फिर